हेलो गाइस, मैं हूं रुद्र। जैसे कि आपने इस सीरीज के पहले एपिसोड में देखा कि कैसे मेरे कोच प्रेमी ने आपको आईपीएल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, इसी वजह से मैं आपको इस सीरीज के दूसरे एपिसोड में सीएसके के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसे कि आप जानते हैं कि इस बार सीएसके के कोच होंगे स्टीफन फ्लेमिंग और उनके कैप्टन होंगे महेंद्र सिंह धोनी, जो हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। और उनके सीएसके के ओनर है इंडिया सीमेंट्स और सीएसके का सीईओ है श्री काशीनाथ विश्वनाथन और उनका होम ग्राउंड है एमए चिदंबरम, जो चेपॉक के नाम से भी जाना जाता है। और इस बार सीएसके के कोर में कुछ अच्छे खासे और बेहतरीन प्लेयर्स हैं, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, फाफ डु प्लेसिस, रविंद्र जाडेजा, अंबती रायडू, दीपक चहर, ड्वेन ब्रावो, केदार जाधव और शेन वॉटसन। और मुझे अभी अभी पता चला है कि इस बार जब सीएसके की टीम यूएई में गई थी और उनके क्वारंटाइन पीरियड में ही पता चला है कि उनके सपोर्ट स्टाफ में अभी अभी किसी को कोरोना पॉजिटिव आया है, जिसकी वजह से सीएसके को और 6 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा। और अभी ये भी पता चला है कि वो सपोर्ट स्टाफ महेंद्र सिंह धोनी के भी कांटेक्ट में। दोस्तों, मैं इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, जैसे कि सीएसके की टीम चेन्नई से यूएई जाने के लिए 21 अगस्त को निकल चुकी है। हाँ, और 21 अगस्त को निकल चुकी थी और फिर वो 6 दिन के क्वारंटाइन पीरियड में होटल में रही थी और कल ही उनका क्वारंटाइन पीरियड फुल हो चुका है और आज से ही वो अपने प्रैक्टिस के लिए वो शुरू हो चुकी है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरभजन सिंह, जो सीएसके के एक मेन प्लेयर है, वो उनके साथ यूएई नहीं गए क्योंकि उनका कोई पर्सनल रीजन है। और इसके साथ मैं बताना चाहूंगा कि अंबती रायडू, जो इस टीम के मेन प्लेयर है, उनका जन्मदिन भी आ रहा है, जो 23 सितंबर को है, तो उनके जन्मदिन पर आप उनको विश जरूर करना। मैं आपको सीएसके के कुछ स्पॉन्सर्स के बारे में भी दिखाऊंगा, जैसे कि किट मैन्युफैक्चर है सेवन और शर्ट यानी इस साइड चेस्ट के भाग का मैन्युफैक्चरर है मुथूट फाइनेंस और बैक साइड का मैन्युफैक्चरर है इंडिया सीमेंट और लेग का मैन्युफैक्चरर है गुजर। हाँ, आपने सही सुना। और सीएसके ने इस बार अपने कुछ मेल प्लेयर्स को भी रिलीज कर दिया है, जैसे कि सैम विलियम्स, मोहित शर्मा, ध्रुव सूर्य और वैसे और दो भी है, लेकिन वो मेल प्लेयर्स नहीं थे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इस बार सीएसके ने पीयूष चावला को सबसे ज्यादा कीमत यानी कि 7.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया था और उनकी सबसे कम खरीद वाली थी जोस हेजलवुड, जो कि ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो बहुत अच्छे बॉलर है। दोस्तों, आपको कैसा लगा इस सीएसके के बारे में? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और ये 9 वीडियो की सीरीज है, जो और 7 वीडियोस आने वाले हैं। अगला वीडियो एमआई पर आने वाला है और उसका एंकरिंग करेंगे मेरे कोच का पेरिंग।